जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। शर्जील चौकत आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आपको एक बार फिर लेके आए जी अलमीन मोटर्स के ऊपर। अलमीन मोटर्स के ऊपर आपको जिस गाड़ी का हम रिव्यू कराएंगे ये है जी विट्स। ये 17 मॉडल विट्स है, अभी रिसेंटली इंपोर्ट करवाई है इन्होंने। और इसके साथ ये वैगनर खड़ी है। ये वैगनर आपको मैं बताऊँ थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों के बारे में, ये हाइब्रिड है। तो ये भी 17 मॉडल है, 21 की इंपोर्ट है। हम आपको इन दोनों गाड़ियों का आज रिव्यू करवाएंगे। तो शुरू करते हैं जी विट्स के साथ। विट्स दोस्तों अब गाड़ी है अभी रिसेंटली इंपोर्ट होकर यहाँ पे आई है। ये 2017 मॉडल है और बाकी ये टोटल ओरिजिनल हालत में है। आपका इसका बोनट देखें, बम्पर देखें, आप इसकी फ्रंट साइड देख सकते हैं, लाइट्स बिल्कुल देखें, ब्रांड न्यू लाइट्स हैं। 2017 मॉडल है लेकिन ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बिल्कुल साफ और अच्छी हालत में गाड़ी है, कोई इशू कोई मसला मसाइल नहीं है। साइड भी अगर आप देखते हैं तो साइड में आपको टायर्स भी दिखा देता हूँ, नए टायर्स हैं, बिल्कुल स्क्रैचलेस गाड़ी है जी, कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई इशू कोई मसला नहीं है। चले मैं बैक से भी आपको दिखा देता हूँ कि दोनों गाड़ियों को, बल्कि आप देख सकते हैं पीछे से भी रिव्यू कर सकते हैं कि क्या इसकी कंडीशन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिल्कुल अच्छी हालत में, नई हालत में गाड़ियाँ हैं दोनों ही। तो आप देख सकते हैं कोई स्क्रैच नज़र नहीं आएगा आपको, कोई आपको मसला नहीं नज़र आएगा। ये भी देखें, आप देख सकते हैं जैसे वैगनर के पीछे नीचे हाइब्रिड लिखा है। तो चलें आपको मैं थोड़ा सा इसको इंटीरियर दिखा के आपको इंजन दिखाता हूँ कि इसके इंजन की क्या लुक है। दरवाज़ा देखें आप, दरवाजे की सील्स आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है। दरवाज़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर, डोर आपके सामने है जी, कोई इशू कोई मसला मसाइल नहीं है। और बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका जो है इन डैशबोर्ड, देखें जी डैशबोर्ड आपके सामने है, बिल्कुल सही हालत में है। आप अगर देखते हैं मीटर भी इसका और बिल्कुल अच्छी हालत में है जी। जो स्टीयरिंग है इसका, स्टीयरिंग पे आप देख सकते हैं फ़ोन आंसर और रिसीव और कट करने की मल्टीमीडिया ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं जी। एयरबैग्स एक्टिव हैं और गियर ट्रांसमिशन इसकी दोस्तों है आपके सामने ऑटोमेटिक है। एसी बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन अच्छी सी लगी हुई है यहाँ पर। छत की अगर आप कंडीशन देखें, छत बिल्कुल ठीक है। बैक रूम भी अगर आप देख सकते हैं, बैक रूम भी बिल्कुल सही हालत में है। तो बिल्कुल ये ब्रांड न्यू कार ही मैं इसे कहूँगा, मुझे इसमें कुछ भी मसले वाली चीज़ नज़र नहीं आई है और ना ही है बिल्कुल, क्योंकि ये अभी रिसेंटली गाड़ी आपके सामने आई है इंपोर्ट होके। तो दूसरा आपको दिखाते हैं जी इसका जो सीट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश सीट्स हैं, प्लास्टिक भी नहीं उतरे। इंजन दिखाएं आपको, 17 मॉडल ज़रूर है लेकिन आप इसे आप कंसिडर करें ये 2021 मॉडल ही आप, क्योंकि ये बिल्कुल ज़बरदस्त हालत में है। बैटरी अगर आप देखते हैं दोस्तों, बैटरी देखें, डावो की बैटरी है, कुप्पे बिल्कुल ताज़ा दम है, फ्रेश कुप्पे। और यहाँ पे देखिए अगर आप इंजन की कंडीशन, तो कहीं से भी थोड़ा भी लीकेज आपको कहीं से भी नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल साफ़ हालत में है। ये वाली इसके फ्रंट ग्रिल है आपके सामने, वो भी आप देख सकते हैं, और बोनट भी। मैं बल्कि दोस्तों आपको जैसे कह रहा हूँ ये 21 मॉडल ही आप कंसीडर करें, ये 17 मॉडल है लेकिन ये कंडीशन इसकी बिल्कुल जो है ना 21 मॉडल वाली। अप्लाइड फॉर है, अभी रजिस्टर्ड भी यहाँ पर नहीं है ये। तो चलें दोस्तों, ये तो हो गई ये जो टोयोटा विट्स मैंने आपको दिखाई है। बाकी इसकी जो 1000 cc इसका इंजन है और चली भी थोड़े कुछ ही थोड़ी चली है। अलमीन मोटर्स के ऊपर ये अवेलेबल है जी, और इसकी जो डिमांड की जा रही है ना, सॉरी सबसे पहले बता दूं मैंने 1000 cc इंजन है और इसकी जो डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी 27 लाख रुपया, 27 लाख इसकी डिमांड है। बाकी डिमांड में कमी पेशी हो जाएगी, अलमीन मोटर्स के ऊपर ये गाड़ी अवेलेबल है। दूसरी गाड़ी आपको जो यहाँ पर दिखाने लगे हैं वो है जी यहाँ पर वैगनर। ये भी 17 मॉडल है और 21 की ये रजिस्ट्रेशन है, सॉरी इम्पोर्ट है, ये भी अप्लाइड फॉर है जी। हाइब्रिड है ये, इसका जी खूबसूरती है ना दोस्तों, ये हाइब्रिड गाड़ी है। टायर्स देखें आप इसके, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स हैं, स्क्रैच लेस गाड़ी है दोस्तों। ये जस्ट इंपोर्ट की है उन्होंने अभी रिसेंटली, तो गाड़ी हर लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी शानदार, बड़ी अच्छी कंडीशन में है। कोई इसमें मसला मसाइल वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने आपको विट्स के बारे में बताया ना, ये भी बिल्कुल समझ लें आप न्यू ही गाड़ी है। कुछ दोस्त कहते हैं जी डाउन मॉडल दिखाएं, कुछ कहते हैं अप मॉडल्स दिखाएं, तो हमें सबको फिर जारी बात दिखानी पड़ती है वीडियोस। तो बाकी ये देखें इसका डोर जो है, डोर आप इसका देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसके डोर के सील्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छी हालत में, दो फ्रेश हालत में है। ये भी इसका देखें आप इंटीरियर जो इसका है यहाँ पर दरवाजे का, वो भी आपके सामने है जी, साफ सुथरी पावर विंडोज़ हैं सर ये। और ये पुश स्टार्ट गाड़ी इंजन है, पुश स्टार्ट है ये वैगनर, आपको पुश स्टार्ट आपको पता है यहाँ पे क्या इसकी कंडीशन होती है, डिमांड क्या है। और डैशबोर्ड बड़ा शानदार मुझे इसका नज़र आ रहा है जी, बड़ी ज़बरदस्त हालत में ये मुझे नज़र आ रही है जी बिल्कुल। तो देखें जी आपके सामने है ये गाड़ी, बिल्कुल इसका ज़बरदस्त हालत में डैशबोर्ड है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना इसके गियर ट्रांसमिशन, वो भी आपके सामने है जी, ऑटोमेटिक है, साउंड सिस्टम यहाँ पे लगा है, एसी शेसी फिट हालत में है। और जो इसकी कंडीशन बाकी मैं कहूँ तो वो भी मुझे 100% ही लग रही है। सीट्स जो हैं वो आपके सामने हैं जी, बिल्कुल साफ़ हालत में है। बैक रूम अगर आप देखते हैं, बैक रूम भी इसका है,
बैक रूम आप देखें साफ सुथरा है, छत जेन्युइन बिल्कुल ओरिजिनल हालत में, 100% गाड़ी जो है ना ओरिजिनल है, कोई इशू कोई मसला मसाइल नहीं है। चलो जी इसका इंजन देखते हैं कि इंजन की क्या इसकी लुक है। तो इंजन भी दोस्तों नया ही है जी, आप देख सकते हैं ये इसकी फ्रंट ग्रिल है, नॉन एक्सीडेंटल न्यू फ्रंट है, बिल्कुल इसकी बोनट की सील्स भी आप देखें अच्छी हालत में जी, बहुत ही अच्छी बल्कि हालत में कहूँ इसको मैं। इंजन भी जो है ना बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है जी, टोटली फ्रेश गाड़ी आपको मिलेगी, ये कोई मसला मसाइल नहीं है। अल अमीन मोटर्स के ऊपर ये भी गाड़ी जो है अवेलेबल। हाँ जी दोस्तों, जो डिमांड यहाँ पे की जा रही है इसकी वैगनर की डिमांड हाइब्रिड में, आपको मैंने बताया कि वैगनर हाइब्रिड है 2017 मॉडल, 21 की इम्पोर्ट है, रिसेंटली इम्पोर्ट है। बाकी इसकी जो डिमांड कर रहे हैं अल अमीन मोटर्स के ऊपर, इसकी डिमांड कर रहे हैं जी 22 लाख रुपया। बाकी इसमें कमी बेशी हो जाएगी अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड होता है तो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नंबर अब दिया गया है, आप इन्हें फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं। दोनों गाड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं, जो भी आपको पसंद आती है इंशाल्लाह आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, प्राइस में कमी बेशी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपने अपना और अपने आसपास दूसरों का बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।